आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लास पे। तो हम वीकेंड स्पेशल जो रीजनिंग चला रहे हैं उसमें आप देखेंगे कैलेंडर का पार्ट 6, पार्ट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिए। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6, हम निकालेंगे डेट कैसे निकाली जाती है, डेट में दिन कैसे निकाला जाता है। तो उसका एक मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये होते हैं सेंचुरी कोड, ये ईयर कोड हो गया और डेट का सॉरी वीक का कोड। तो संडे मंडे ट्यूसडे का तो मैंने बताया हुआ है आपको, संडे इज 0 और 7, मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो इन्हीं सब कोड के थ्रू हम देखेंगे कि कोई डेट निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट ले लेता हूँ। आज बड़ा अच्छा दिन है, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं जैसे यही निकाल लेता हूँ 15 अगस्त 2020, ठीक है। तो एक मिनट, इससे मैं पहले वो बता दूं जरा आपको, हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी ईयर कोड, ठीक है। ये मैं वाई सी कर देता हूँ, ईयर कोड है और ये सेंचुरी ईयर कोड है, ठीक है। इसको आप फुल सॉरी इसमें डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाई 7। तो ये कोड है पूरा, ठीक है। ये डेट, मैं थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप पूरा कोड लिख दीजिएगा। डेट मंथ ईयर कोड इसमें निकालने पड़ेंगे, लीप ईयर और ये सेंचुरी ईयर कोड, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपनी डेट पे, हमारी डेट है 15 अगस्त 2020। तो हम देखेंगे सबसे पहले डेट, मैंने बोला था आपको डेट लिखेंगे 15, ठीक है, प्लस करेंगे अगस्त, अगस्त का कोड आप यहां से निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो 15 प्लस 2, फिर आएगा ईयर। अब ईयर आपका कितना है, तो ईयर है आपका 20, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर आप निकालेंगे, इसमें 5 लीप ईयर आएंगे। और उसके बाद देखेंगे सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड हमारा कितना है 2000 वाले एरिया में, तो अपना 2000 यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 2000, तो ये 6 और डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब इसको ऐड करिए तो ये आएगा 48 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा। और 6 मैंने आपको बताया क्या होता है, हमारा सैटरडे, ठीक है। इस तरह से हम डेट फाइंड कर सकते हैं, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने डेट निकाली। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। अब मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 2020 को सैटरडे है, अब बताइए 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था। तो इससे पहले मैं वीडियो में करवा चुका हूं, अब वो सीधे सीधे एक सेकंड में आप बता सकते हैं कि वो थर्सडे था, पूछेंगे थर्सडे कैसे था, तो वो आप वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। कोई डेट लेता हूं मैं 6 अप्रैल, थोड़ा पीछे जाते हैं 1930, ठीक है, हमने ये डेट लिया। अब देखते हैं 6 अप्रैल 1930, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, सबसे पहले मैंने आपको बताया डेट लिखेंगे, उसके बाद आते हैं मंथ, मंथ है हमारा अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ठीक है। तो अप्रैल का कोड हो गया 6, उसके बाद आते हैं ईयर, ईयर हमारा 1930 है, हम इसको 30 लिखेंगे, ठीक है। और 30 में कितने लीप ईयर आएंगे, अब तक आ चुके होंगे, तो 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमको 7 लीप ईयर मिलेंगे, तो
तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट है सेंचुरियर कोड, सेंचुरियर कोड हमारे 19 वाले में है, तो 19 वाला हमारा ये 0 हो गया, तो 0 और टोटल डिवाइड बाई 7, तो ये सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 49, 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि संडे। 0 मैंने आपको बताया हुआ है संडे को, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए ये संडे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तो मैंने आपको याद बता दिया कोड से, पहले इजी है, आप कोड याद कर सकते हैं, बहुत सरल से कोड है, ये 12 डिजिट का कोड है, इसको आप एज अ आधार नंबर याद कर सकते हैं, आधार नंबर आपका होगा वो भी 12 का नंबर का होता है, तो उसकी तरह आप इसको याद कर सकते हैं, 033614625035, मतलब आप किसी तरीके से आधार 3 में डिवाइड कर लीजिए, 4 में डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप आधार नंबर याद करते हैं वैसे आप ये कोड याद कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि मैंने ये जो लिखा हुआ है लीप ईयर और जनवरी फरवरी वैसे नहीं होती, अगर लीप ईयर है आपका, ठीक है लीप ईयर आपका, तो सिर्फ उसमें जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, मतलब जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड आपका 2 हो जाएगा, ठीक, बाकी कोड अगर किसी और डेट के हैं तो वो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अगर मैं जैसे इसको ले लूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, लीप ईयर वाला भी आपको समझा देता हूं, मैं इस साल का ही ले लेता हूं एग्जांपल, February 14, 2020, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने डेट लिखी 14, फैब का कोड हमारा हो गया, तो फैब हमें यहाँ पर 3 होना चाहिए था, बट ये 2020 इज लीप ईयर, ये आपको पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो उसके बाद 20 और ये लीप ईयर आ गया 5 और सेंचुरियर कोड कितना हमारा 6, तो 6/7 करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 47 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आएगा आपको 5 रिमाइंडर देगा, 5 रिमाइंडर इज फ्राइडे, तो ये आप चेक कर सकते हैं फ्राइडे ही होगा 14 February, मुझे याद नहीं है बट आप मैं जनरल केस में लिया तो आप देख लीजिएगा 14 February 2020 को फ्राइडे ही होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा, बस ये ध्यान रखना है लीप ईयर वाले केस में बस जनवरी और फरवरी के कोड चेंज करने हैं, बाकी सब कोड सेम टू सेम रखने हैं। तो इस बार मैंने आपको कोड से बता दिया, अगले वीडियो में हम आपको जो हमारा कैलेंडर का लास्ट वीडियो होगा, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको एक केस ये भी बता दूंगा कि अगर आपको कोड नहीं याद है तो आप कैसे फाइंड करें डेट, होता है ना कई बार कि हम एग्जाम में बैठते हैं हम अचानक से कोड भूल गए तो कैसे करेंगे, तो वही मैं आपको शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड भी आपको बता दूंगा, बट शॉर्ट मेथड इजी ये वाला है, इजी मेथड है, आप इससे ही कोशिश करिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।